वही अवैध कॉलोनियों को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। 450 अवैध कॉलोनियों को निमित करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 450 अवैध कॉलोनियों को निमित करने का फैसला लिया गया है और हमारे कार्यकाल में अब तक 1133 कॉलोनी अप्रूव की गई है। गाँव के आसपास भी कॉलोनी बनाई गई है। विभाग ने 2 एकड़ तक की कॉलोनियों को अधिकृत किया है। एसोसिएशन बनाकर कॉलोनी को अधिकृत करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसोसिएशन बनाकर के कॉलोनियों को अधिकृत करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस और महत्वपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की यह जानकारी, गांव के आसपास भी कॉलोनियां बनाई गई, मुख्यमंत्री ने बताया। विभाग ने 2 एकड़ तक की कॉलोनियों को अधिकृत किया है। एसोसिएशन बनाकर के कॉलोनी को अधिकृत करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अवैध कॉलोनियों को लेकर के हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 450 ऐसे अवैध कॉलोनियां जिन्हें नियमित करने का फैसला लिया गया है और मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 1133 अब तक ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको अप्रूवल दिया गया है, अप्रूव किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनोहर सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया अवैध कॉलोनियों को लेकर के। बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, 450 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया गया। हाँ, 2014 से 22 तक 685 कॉलोनी हमने नियमित की थी और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई भी किया, हमने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें आज फिर इस वर्ष 2023 के अंदर पीछे 131 कॉलोनी का नोटिफिकेशन हुआ भी था लेकिन उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से वो सारा तैयार नहीं था। आज कुल मिलाकर दोनों विभागों की ओर से, अपन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर वो 131 भी उसमें मिला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है जिसका सारा फॉर्मेलिटीज जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन या तो हो गया होगा या फिर आज हो जाएगा। जब भी उनकी कोई रजिस्ट्री होती है, कोई इंतकाल होता है या कोई और उनको जरूरत पड़ती है, उसी समय वो जमा करा सकते हैं। पहले चाहे तो पहले भी करा सकते हैं, करा मना नहीं है, बल्कि पहले कराने का एक लाभ ये भी होता है कि आज की दर के ऊपर 5% को देना होगा। मान लो अगर वो देर करते हैं और बाद में वो कलेक्ट्रेट बढ़ जाता है तो फिर बढ़े हुए दर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कलेक्ट्रेट है इसकी संभावना साल दर साल बदलने रहने की होती है, तो बदलने का वजन आगे न पड़े इसलिए मैं तो अपील यही करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उस डेवलपमेंट चार्ज को जमा कराएं ताकि उनका जो बोझ है वो समाप्त हो जाए। फिर भी अगर कोई नहीं कर सकता तो बाद में भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन कोई होती है तो उसके समय उसको जो किया जाएगा। जिसका जैसा पास्ट होता है ना उसकी आंखों में वही चश्मा होता है। घोटालों वाली जो सरकार थी उसको हर चीज़ में घोटाला लगता है। अब एक नई विधि, नया विधान लेकर के आया है कि हर एक प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और वो इतना बड़ा काम था हरियाणा का, उस हरियाणा के काम को करने के लिए हमने कंपनी को लगाया, याशी नाम की कंपनी थी। बाद में शिकायतों के आधार पर उसमें कुछ गलतियां जो मिली उस गलतियों को ठीक करने का काम किया। 4.5 लाख के लगभग प्रॉपर्टीज अच्छी थी जिसके अंदर गलतियां पाई गई, उसमें से 3.5 लाख ठीक हो गए, मात्र 1 लाख अभी बची है। उस 1 लाख में भी प्लॉटिंग की शायद उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी नाम में डिफरेंस है, जितना फोन नंबर में अंतर आ गया, जिसका छोटा मोटा कोई साइज में भी अंतर होगा हो सकता, उस सारे को लेकर के उसको ठीक करके एक एक करके डिपार्टमेंट लगा हुआ खूब कर रहे हैं। जितना हमने 4 बार इसके, कितने बार कैंप लगाए सर, इसके 4 कैंप लगे, 4 कैंप लगे हैं 2-2 दिन के, बल्कि यमुनानगर ने तो 7 दिन लगातार कैंप रखा अपना और 7 दिन के बाद उनके यहाँ नई कंप्लेंट आनी बंद हुई।